लखनऊ के मोहनलालगंज गैंगरेप केस ने यूपी के लोगों को सड़कों पर ला दिया है। सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गैंगरेप केस के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महिला की शिनाख्त हो चुकी है। ये लखनऊ की रहने वाली थी और एक मेडिकल कॉलेज में काम करती थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के इस मामले में कॉल डिटेल से अहम सुराग मिला। महिला के फोन पर बुधवार को रात 9 बजे एक फोन आया था, जिसके बाद वो तैयार होकर बाहर निकली थी। कुछ दूरी पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद फिर स्विच ऑन हो गया। इस दौरान उसके फोन पर 3 कॉल आई, इसमें से एक कॉलर की लोकेशन महिला के साथ मिली। आखिरी कॉल के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ती गई और पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। मोहनलालगंज में जिस तरह से महिला की बर्बरता से गैंगरेप के बाद हत्या की गई, उसने दिल्ली गैंगरेप की यादें एक बार फिर से ताजा कर दी। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सड़कों पर ला दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज गैंगरेप केस ने यूपी के लोगों को सड़कों पर